आज मैं तुम्हें 6 अंकों की संख्याओं का पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी, क्योंकि तुम तो जानते हो सभी कि संख्याएं हमारे गणित की बहुत ही अहम संख्याएं होती हैं, और जो होती हैं 1 अंक की होती हैं, 2 अंक की होती हैं, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, और आज हम तुम्हें जो बताएंगे वो है 6 अंक की संख्याओं का पढ़ना और लिखना। ठीक है, जी तो 6 अंकों की संख्याओं के लिए पहले हमको ये बताओ कि 1 अंक की जो संख्या होती है वो कहाँ से कहाँ तक हम मानते हैं। 1 से 100 तक की गिनती होती है, जी उस गिनती में हम 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो 1 अंक की संख्याएं कहलाती हैं। जी ठीक है, उसी तरह से देखो, जैसे कि ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है नौ कि 9 से 1, 9 और 1 है, जी तो 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं होंगी वो 1 अंक की संख्याएं होंगी। ठीक है, जी उसी तरह से हमारी जो होंगी कि 11 से लेके हम जो लेंगे 1 से लेके 99 तक, 99 तक जो भी हम संख्याएं लेते हैं, 11 से 10 से लेते हैं, ये जी 2 अंक की संख्याएं होती हैं जी 10 से लेके। ठीक है, जी उसी तरह से हमारी संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं। जी और सबसे बड़ी बात तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि 9 और 1 ये कैसी संख्याएं हैं, एक एक अंक की संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, एक अंक की संख्या एक है अंक की संख्या है। तो 1 अंक की जो संख्या है, अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो बन जाती है हमारी 2 अंक दो की की संख्या। संख्या देखो 9 और 1 ये एक अंक की संख्या है, और जी इसको जब हम जोड़ते हैं तो बन जाती है 2 अंक दो की अंक की संख्या। संख्या ठीक है, ये सबसे रोचक बात है हमारी गणित की कि जब हम जोड़ते हैं 2 अंक की संख्याओं को तो बनती है 3, और जी जोड़ते हैं एक एक अंक संख्याओं को बनती है 2। दो तो ये हमारी क्या बन गई, 9 और 1 को जोड़ा तो बन गई 2 अंक की संख्या। और 2 अंक की संख्याओं में हमारी क्या होती है, इधर वाली संख्या को हम कहते हैं इकाई, जी इसको कहते हैं दहाई। दहाई तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एक एक दहाई दहाई या या 10 इकाई 10 इकाई। ठीक है, एक दहाई या 10 इकाई, इकाई अगर हम इकाई के रूप में देखते हैं तो इसमें 10 इकाई है, और जी अगर दहाई के रूप में देखते हैं तो इसमें एक दहाई एक है। ठीक है, जी और उसी तरह से हम आगे आते हैं तो हमारी 2 अंक की संख्याएं जो है सबसे बड़ी क्या है, 99 99 है ना। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है। 3 अंक की हमारी 999 999 है। उसी जी तरह से 4 अंक की संख्याएं हैं हमारी 9999। 9999 इस तरीके से हम बढ़ते जाते हैं। तो इस 2 अंक की संख्याओं में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है हमारी, 3 अंक की तीन संख्या। अंक की 3 अंक की संख्याओं को हम क्या पढ़ सकते हैं, पहले तो ए देखो इधर से पढ़ते हैं, क्योंकि हमने बताया था ना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से लिखते हैं। जी तो हम आते हैं तो इसमें देखो हमारी कितनी है, इकाई के रूप में जब पढ़ेंगे तो क्या है, कितनी इकाई है इसमें, 100 इकाई। सौ इकाई ऊपर वाले में कितनी थी, 10, 10 इकाई इसमें है 100 इकाई। 100 इकाई ठीक है, अब आता है दहाई का नंबर, तो इसमें कितनी दहाई है, 10 दहाई 10 दहाई है, क्योंकि ये इकाई का स्थान है, जी तो ये 10 दहाई बोला जाएगा। या अगर हम सैकड़ा लेते हैं तो एक स्थान पे सैकड़ा होता है तो जी ये हो जाता है 1 सैकड़ा। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये हमारा अभी 3 अंक की संख्या हो गई, 3 अंक जी की संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो ये 4 अंक की संख्या बन जाती है। जी तो अब इसको जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो लिखना जब हम शुरू करते हैं तो हमारी आ जाती है फिर से, इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमने क्या बताया था कि पीछे से पढ़ते हैं जी इकाई से, तो इसमें आ गया हमारा 1000 इकाई। जी अब दहाई का नंबर आता है तो दहाई कितनी है, 100 दहाई। सौ फिर सैकड़े में आता है 10 सैकड़ा, 10 सैकड़ा और हजार में आ जाता है 1000। 1000 क्यों, क्योंकि 1 हमारा चौथे स्थान पे है, जी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, जी तो उसी तरीके से जब हम 4 अंक की संख्या में 1 जोड़ते हैं, क्योंकि 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जी तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, इसमें अगर हम एक एक जोड़ते जाते हैं तो हमारी उससे आगे की अंकों की संख्या बनती जाती है। जी ठीक है, तो उसी तरीके से जब हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हमने 1 जोड़ा तो बन गई 5 अंकों की संख्या। जी 5 अंकों की संख्या को हमने लिखा हमारा कि 10,000 इकाई, 10000 इकाई 1000 दहाई, या जी सौ दस सैकड़ा, सैकड़ा या 10,000। उसी तरीके से जब हम आते हैं 5 अंकों की संख्या लेते हैं बड़ी वाली, तो ये हमारा हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000। जी तो हम जब पढ़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 99,999। तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। जी इसमें जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है ये 1 लाख। तो 1 लाख का मतलब है कि इसमें क्या है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारा हो जाता है ये 100,000 या 1 लाख। ठीक है, तो ये चीज तो तुमको हमने इसलिए बताई कि इससे तुम्हें 2 बातें स्पष्ट हो गई। क्या? कि 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 की, 4 की और 5 की हमारी सबसे बड़ी संख्याएं क्या होती हैं, और उसमें हम 1 जोड़ते हैं तो उससे आगे वाली संख्या मेरी बनके तैयार हो जाती है। जी। तो 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की संख्या मेरी बनके तैयार हो गई। लेकिन इसको हम पढ़ते कैसे हैं, कौन से स्थान पे कौन सा अंक हम रखें जिससे कि हम 6 अंकों की संख्याओं को तैयार कर सकें। ठीक है जी। तो अब हम आज जो तुमको 6 अंकों की संख्याएं बताएंगे वो देखो, आखिरी में हमने जब जोड़ा था तो 6 अंकों की संख्या बनके तैयार हो गई थी। जी। तो अब तुम ध्यान से देखो कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कितने शून्य है, 5 शून्य है, और 1 जो है छठे स्थान पर है। जी ठीक है। तो हम पढ़ते इधर से, क्योंकि ये बात हमने तुमको बताई थी जी कि दाईं तरफ से बाईं तरफ हम संख्याओं को पढ़ते हैं और बाईं तरफ से दाईं तरफ संख्याओं को हम लिखते हैं। ये बात हमेशा गणित में याद रखना। तो कभी भी तुम्हारी कोई भी संख्या जब तुम लिखोगे या पढ़ोगे तो कभी भी गलत नहीं होगी, याद रहेगी ये बात जी, पक्का? ठीक है। तो देखो अब हम तुमको इस 6 अंकों की संख्याओं को ये बताएंगे कि इसमें कौन सा 0 किस स्थान को बताता है। जी ठीक है। तो देखो हमने इधर से पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हम पढ़ते हैं इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। तो इस वाले 0 को हम इकाई के नीचे रखेंगे, इसको दहाई के नीचे रखेंगे, तीसरे वाले 0 को हम सैकड़े के नीचे रखेंगे, और चौथे वाले 0 को हजार के नीचे रखेंगे, और पांचवें वाले 0 को 10,000 के नीचे रखेंगे, और 1 को हम लाख के नीचे रखेंगे। ठीक है। तो एक तरह से इसमें पूरे अंक कितने हैं, जरा राजीव जोड़ के बताना। इसमें 6 अंक हैं। 6 अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जी ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये संख्या क्या कहलाएगी, कैसे पढ़ेंगे इसको? 1 लाख। 1 लाख, क्योंकि 1 लाख हो गई। तो 1 लाख का मतलब है कि 1 लाख वो संख्या है जिसमें कि हम 6 अंक अपने आप प्राप्त करते हैं। जी ठीक है। तो यही लाख से जब हम शुरू करते हैं किसी भी अंक को लिखना, तो नंबर को लिखना, तो वो हमारी 6 अंक की संख्याओं के बारे में बताता है। ठीक है। तो ये तो थोड़ा तुमको मैंने बताया कि किस तरीके से लिखते हैं, लेकिन एक चीज और मेरे पास है तुमको बताने के लिए। ये देखो, इसको कहते हैं गिनतारा। क्या कहते हैं? गिनतारा। गिनतारा कहते हैं ये है। तो अब इसमें अगर हम पढ़ते हैं तो देखो, इसको हम करते हैं, ये है हमारा इकाई जी, दहाई, सैकड़ा जी, हजार, 10,000 और ये है लाख। और हम लाख पे आके क्यों रुके? क्योंकि आज हम तुमको बताएंगे, बता रहे हैं कि 6 अंकों की संख्याओं के बारे में। तो इसलिए, क्योंकि इसके आगे भी बहुत बड़ी संख्या होती है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। हमको सिर्फ जरूरत है इस 6 अंकों के बारे में। तो अब इस अंक में हम, ये जो तुम बॉल देख रहे हो, ये सारी जो बॉल है इसमें हम डालते हैं। तो कौन से स्थान पे तुम जितनी भी बॉल डालोगे उससे हम उस संख्याओं को पढ़ना लिखना पता लगा लेंगे। ठीक है। तो अब जो है हम तुमको बताते हैं कि किस तरह से कौन सी संख्या लिखी जाती है। अब जैसे कि इसमें देखो, 1 हमने डाला जी। ठीक है। तो इसको हम खाली अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि 1 बॉल पड़ी है इसमें जी। ठीक है। और अगर इसको करना चाहेंगे तो ये 2। दो। तो ये क्या बता रहा है कि इकाई के स्थान पे कितनी बॉल पड़ी है? 2। 2 पड़ी है। इसी तरह से हम आते हैं दहाई के स्थान पे, 1 डाली, ठीक है, 2 डाली, 3। तो इसमें कितने स्थान पे है, कितने बॉल है? 3। 3 है, मतलब कि दहाई पे 3 बॉल है जी। उसी तरह से हम अगर उसको डालते जाते हैं, ये हमने 1 डाल दी, इसमें हमने 2 डाली, देखो इसमें हमने, पहले हम बता देते हैं क्योंकि इससे हमको ये स्पष्ट हो जाएगा कि
हमारे लाख तक की संख्याओं को हम किस तरह से जोड़ घटा के लिख सकते हैं, और तुमको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। चलो अब ये तुम बताओ कि कौन कौन से स्थान पे कितनी कितनी बॉल पड़ी है। जी, इकाई पे दो बॉल है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार जी, और ये लिखा हमने लाख। ठीक है, तो अब बताओ इकाई के स्थान पे कितनी बॉल आई है। इकाई के स्थान पे दो बॉल आई है। इकाई के स्थान पे दो बॉल आई है। दो हैं, तो इकाई के स्थान पे देखो इस तरीके से हमने बनाया जी। तो हम कैसे लिखेंगे आप बताते जाइएगा, जिससे कि हमारी संख्या बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इकाई के स्थान पे आप देखिए कितनी बॉल है, एक दो, दो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दो दो। अब दहाई के स्थान पे देखो कितनी है, एक दो तीन, तीन तीन दिखाई दे रही है, तो दहाई के स्थान पे हमने लिखा तीन, तीन। अब सैकड़े के इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पे खाली एक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक, एक। अब ये कौन सा स्थान है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पे कितनी है तीन, तीन हजार पे तीन है, और फिर कौन सा स्थान आया, दस हजार, तो जोड़ो कितनी है इसमें, एक दो तीन चार पांच, ये हमने यहाँ पे लिखा पांच। अब इस स्थान को क्या कहते हैं हम, लाख। बहुत अच्छे, इसको कितनी है बॉल इसमें तीन, एक दो तीन। तुम्हें तो लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया धीरे धीरे। हाँ, तो यहाँ पे तीन बॉल हो गई जी। ठीक है, तो ये तुम्हारी बनाई हुई संख्या थी, तो ये कितने अंक की संख्या बन के तैयार हो गई जल्दी बताओ, कितने अंक है इसमें, एक दो, दो तीन, तीन चार पाँच छ, तो छह अंक बन के तैयार हो गई जी। अब ये तो बन के तैयार हो गई, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने के लिए हमने देखो इस संख्या बन के क्या तैयार हुई, तीन पांच तीन एक तीन, तीन और दो दो। ठीक है, तो हम इधर से पढ़ने का आई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, तो इसको हम लाख के बाद हमने एक तो ऐसा कर दिया कॉमा लगाया, ये यहाँ पे लगाया, क्यों, क्योंकि ये हमारे लाख की संख्या है जी, ये हमारे दस हजार का वो है जी, जोड़ा है, और ये हमारे इकाई दहाई सैकड़े का जोड़ा है जी। तो एक जैसे जोड़े जो होते हैं वो हम कॉमा लगा के उसको प्रदर्शित करते हैं कि ये अपने अलग अलग जो है रूप में हमारी इस संख्या में जुड़े हुए हैं जी। क्योंकि सब जुड़े हुए हैं तभी तो हमारी संख्या बन के तैयार होगी। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, तीन लाख तिरपन हजार एक सौ बत्तीस, क्या पढ़ेंगे, तीन लाख तिरपन हजार एक सौ बत्तीस। तो ये हमारी छह अंकों की संख्या बनके तैयार हो गई। ठीक है, तो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि दो अंक की संख्या है, एक अंक की संख्या है, तीन अंक की, चार अंक की, पांच अंक की और छह अंक की संख्या किस तरह से बनके तैयार होती हैं। क्योंकि एक अंक की संख्याओं में खाली इकाई होता है, दो अंक की संख्याओं में इकाई दहाई दोनों होता है, तीन अंक की संख्याओं में इकाई दहाई सैकड़ा, चार अंक की संख्याओं में इकाई दहाई सैकड़ा हजार जी। और पांच अंक की संख्याओं में इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, और छह अंक की संख्याओं में इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख। समझ में आ गया कि छह अंकों की संख्याओं में लाख तक छिपा होता है, और तो वो बनाते हैं हमारी छह अंकों की संख्या। तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा जी। और अब ये जो संख्याएं हैं तुमको तुम्हारे सवाल लगाने में मदद करेंगी।